विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाचान्यान् स्वमतिर्विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा धृत्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण पात्वसौ नास्तु धीयः। मार्गों को उपनिषद की आगम प्रकार का विचार करते हुए अभी हम लोग उपनिषद का जो सातवां मंत्र है वहाँ पे आके पहुँचे। पहले छह मंत्र वगैरह, पहले दो मंत्र में क्या कहे थे, सेकंड मंत्र में स्वयं आत्मा चतुष्पाद, स्वयं आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, यही हमारे स्वरूप ही व्यापक है। और इसको समझने के लिए श्रुति ने फिर क्या कहा, चार पाद वाला है। तब वहाँ पे भगवान भाष्यकर बोलते हैं जैसे गाय के चार पाद दिखाई दे रहे हैं ऐसे नहीं है, तो क्या है कंसेप्चुअल, मतलब एक रुपया में चार आना है, चार आना के चार भाग है। तब किसी को चार एक टुकड़ा करके दे दोगे तो आपको चार आने का सामान नहीं देगा तो बर्बाद हो गया, मतलब कंसेप्चुअल है सामान। बोलते हैं काशापनव, जैसे व्यवहार चलने के लिए हम मान्यता दे करके करते हैं ऐसे ही चार पैर है, क्योंकि ये तीन पैर को ऊपर चल के चौथा पाद तक पहुँचा जाता है। इसी नाम क्या अर्थ कहते पद्यते अनेना इति पाद और पद्यते इति पाद, ये चार पाद में तीन पाद में तो चलने का काम करता है और चौथा पाद जहाँ पे पहुँचा जाता है। तो तीन पाद के द्वारा चलने के बाद जब चौथा पाद में पहुँचता है तो चौथा पाद क्या है उसको वर्णन करने के लिए अब हमारा ये शुरू हुआ, ठीक है ना। इस तीन पाद में तीन इसमें क्या क्या चीज़ है मांडू कारिका कार्य जो उपनिषद में नहीं कहा उसमें विशेष जो अर्थ छुपा हुआ है उसको कार्यकर्ता ने स्पष्ट करके देखा। तीनों क्षेत्र में भोक्ता चाहे भोज्य कुछ भी एक ही तत्व है, परंतु जो व्यक्ति इस प्रकार भोक्ता भोग और उसका दृष्टा इन तीनों के विभाग को समझ जाते हैं वो व्यक्ति भोग के अंदर रहते भी भोग के द्वारा ले पाए नहीं, तो सृष्टि हुआ क्यों और कैसे हुआ इस प्रकार के इसको विचार उठा करके दिखाते हैं। कोई कहता है कि भगवान की इच्छा से भगवान अपनी महिमा को ज्ञापन करने से, कोई कहता है काल से, कोई कहता है जो मतलब अब प्रभु के संकल्प से, इस प्रकार कई कार्यों के अलग अलग मत है, पर जो सभी मत को खंडन करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया कि सृष्टि होना संभव नहीं है क्योंकि आप तो मनुष्य का स्त्री हो। और क्यों सृष्टि किया था वो कोई कहता है भोग के लिए, कोई कहता है लीला के लिए, अलग अलग बात। इस प्रकार से पहले छह मंत्रों का संक्षेप में उत्पन्न करके और सातवें मंत्र में प्रवेश कर। आपने बोला ये चार पायद वाला है, जब तीन पायद वो नहीं है तो चौथा पद तो अपने आप ही होगा, फिर उसको अलग करके वर्णन करने का क्या आवश्यकता, ये नहीं है। तो यहाँ पे निषेध में क्या होता है कि एक होता है कि ये नहीं है, परंतु आपको ये नहीं समझ में आएगा कि तीनों काल में ही नहीं है, तीनों काल में ही नहीं है ये समझने के लिए निषेध करना पड़ता है। जिस समय हमको रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई पड़ता है प्रतीति काल में हमें लगता है कि सर्प वहाँ पे है, व्यवहार काल में सर्प वहाँ पे है, परंतु ज्ञान होने के बाद पता लगता है कि तीनों काल में जिस समय में जो मैं उसको सर्प समझ रहा था उस समय जो सर्प वहाँ पे नहीं है। श्रुति इस प्रकार निषेध को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं मंत्रों के एक साथ सब मिलकर पढ़ेंगे, कल पढ़ लिए थे एक बार दोबारा। नान्तप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एक आत्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। अंतप्रज्ञा मतलब क्या है लगा ये मन और मन मन कल मन के संस्कार मन कल के विषय ये नहीं है, न अंतप्रज्ञा न इसके अंदर वासनात्मक वस्तु नहीं है न अंतप्रज्ञा है ना, मतलब भैरव का अंतप्रज्ञा बोला था मतलब जो अंदर की वस्तु को जानता है, मतलब तुरीय क्या है जो अंतर प्रज्ञ नहीं है किसी को नहीं जानता है,
है ना, अंत प्रज्ञ इसके अंदर वासना वासना संबंधित कोई ज्ञान कुछ भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से स्थूल वस्तु को बिना ये जानता है ना स्थूल वस्तु संबंधित ज्ञान ना कोई स्थूल व्यवहार करता है। अंत प्रज्ञ ना बहिष्प्रज्ञ ना उभयता प्रज्ञ, जागृत और स्वप्न के बीच के जो अंतराल अवस्था होते हैं उस वस्तु को जानते हैं तो ऐसा भी नहीं है। वो मैं कल दृष्टांत दिया था इसको समझने के लिए, कोई एक नया जगह पर जाकर के अचानक आप प्रदीप खुल जाती है तो अब जो स्थिति होता है ना जागृत अवस्था ना स्वप्न अवस्था, वो स्थिति होगा अंतराल अवस्था, वो भी नहीं है। न प्रज्ञान घन मतलब गहरा नींद में अपने अज्ञान को जानते हैं आनंद के विषय रूप में जानते, ये भी नहीं है। बीज मतलब है सृष्टि का बीज भी नहीं है, तो में पारमार्थिक सृष्टि का बीज भी नहीं है। न प्रज्ञ निर्विकल्प बोध रहित मतलब कोई आप सोचते हैं निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसको समझ जाएंगे, वो भी नहीं। न प्राज्ञ परंतु बोध रूप नहीं है, ये बात भी नहीं है बोध स्वरूप। फिर अदृष्टम मतलब क्या हो गया, इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है यानी ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है। अव्यवहार्यम मतलब कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, जिसके ऊपर आदान प्रदान आदि सारा व्यवहार चलता है परंतु जिसके अंदर जिसमें व्यवहार नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, जिसके रहने के कारण सारा व्यवहार होता है परंतु जिसमें व्यवहार नहीं है। अब अदृश्य और व्यवहार जो अब क्राइम क्यों व्यवहार नहीं है, क्योंकि इसको जो है कोई ग्रहण नहीं कर सका। व्यवहार क्या होगा, ग्रहण होगा तो आप देना लेना कुछ व्यवहार करना लिखना पढ़ना कुछ होता है, ग्रहण ही नहीं होता इसका, विषय रूप में व्यवहार कैसे करेंगे। तो इसका ना मतलब इसको जाना नहीं जाता, बोलते हैं इसको एक कोई भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता और न प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, तो बोल दिया तो अनुमान के द्वारा जान लेंगे। बोलते नहीं नहीं अलक्षणम मतलब धूप अग्नि को जानने के लिए उसके साथ जिसका नियम है रहने का उसके द्वारा उसको जाना है, जिसको लक्षण किया जाता है शक्ति भी किसी जिसके साथ संबंध रखता है, ये तो अकेला है किसी के साथ संबंध ही नहीं रखता, इसके लिए इसका कोई लक्षण भी नहीं किया जाता। यदि लक्षण किया जा सकता था तो उसको परम चिंतन कर सकते थे, परंतु इसलिए इसको चिंतन भी नहीं किया जा सकता, आपका बुद्धि का विषय ध्यान का विषय नहीं बन सकता। 100% हो रही है चीज़ है ना, तो कोई ध्यान से जान लेगा इसका ये भी नहीं है, ध्यान से भी नहीं हो सकते। और क्या होता है अचिंतन, अब जब आप अपने बुद्धि का मेन विषय बना पाया तब तो उसको किसी को उपदेश भी नहीं कर सकता, अव्यपदेश उपदेश करने योग्य भी नहीं है। कई बार ऐसा हमारे उपनिषद में आया है, राम जी वशिष्ठ जी पूछ रहे थोड़ा सा मेरे आत्म तत्व के बारे में बताए, वशिष्ठ चुप बैठे हुए हैं, 3-4 बार बोलने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ राम, मैं तुम्हारा ही प्रश्न का तो उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम जिसके आप दिन भर बात करते रहते हैं जब मैं पूछता हूँ तब आप चुप हो जाता है, क्या बात है, कोई कुछ पूछता है तो उसका जवाब देता है, मैं पूछता हूँ तो चुप हो जाते हैं। जब वशिष्ठ जी बोलते हैं क्या करो, तुम ऐसा प्रश्न पूछते हो जिसका उत्तर जिसको शब्द से नहीं बताया जा सकता, अव्यपदेश। अच्छा नहीं समझ में आता है तो ठीक है कोई बात नहीं, अब माया उपाधि के साथ तुमको बोलते हैं, इसका मतलब वो नहीं है ये बात नहीं है, एक आत्म प्रत्यय मतलब जैसा जैसा हमारे अंदर आत्मनिष्ठ आता जाएगा, आत्म संबंधित प्रत्यय वृत्ति बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा वृत्ति बंद होकर के वो वस्तु का अनुभव हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल निश्चित हो जाता है नहीं ऐसा लगता, सुनने जैसा लगता है पर ऐसा नहीं है। कब समझ में आएगा वो, प्रपंच जब विस्तार को अब बंद कर, प्रपंच उपशमम सारा व्यवहार जब बंद हो जाता है तब क्या होता है शांत रूपात्म में रहते हैं, ये शांत भावी सबसे कल्याण करिए मंगलमय। शिव शिव शब्द का अर्थ होता है अत्यंत वशिकांत धातु से अत्यंत मंगलमय तो अत्यंत सुंदर, ऑस्पिशियस भी होते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, ये दोनों अर्थ भी होते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो क्यों सुंदर है क्योंकि दूसरे पे मिलावट नहीं है, मिलावट में अशुद्धता आते हैं और कल्याणकारी क्यों है, इसके ज्ञान से जो है मानुष जीवन के बंधन से छोड़ जाते हैं। शांतम शिवम अद्वैत है ना, अद्वैतम शांत है और अद्वैत कल्याणकारी है, अद्वैतम अशांतम शांतम, ये देखो कितना साल पहले ऋषियों ने बोला, आपको समझ में आ रहा है द्वैत में कितना शांति होते हैं, इसीलिए बोलते हैं अद्वैतम। इसी को जो है ये चतुर्थ नहीं है परंतु तो चतुर्थ जैसा मानते हैं, क्योंकि लक्षण भिन्नतम ये चौथा वस्तु ये बात नहीं है, वो तो सबके अंदर अनुसूत है, उससे अलग का कुछ है ही नहीं, इसीलिए चतुर्थम मन्यते स आत्मा स अधिक
हमारा स्वरूप है और यही संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु। अब इसको हम लोग भाष्य पढ़ रहे हैं। भाष्य में कल देखें हमने ये जो चतुर्थ पाद क्रम प्रत्यय वक्तव्य इत्यादि अहनांत प्रथम इत्यादि सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्द अनविधेयत्वम् है ना। समस्त शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त होता है निमित्त से शून्य होने के कारण शब्द के द्वारा उसको नहीं कहा जा सकता। इति विशेष प्रतिषेधेन एव इस प्रकार से विशेष का निषेध के माध्यम से ही तुरीयम निर्दिदीक्षति। अच्छा तुरीयम वक्तुम इच्छति ऐसा बोल सकते थे श्रुति तुरीयम वक्तुम इच्छति क्यों जिसको बोला नहीं जाता श्रुति कैसे बोलेगी। निर्देश करना चाहती है दिखाना चाहती है शब्द प्रयोग को देखिए भाषा तो श्रुति कई जगह पे ऐसा आहो आहतो वक्त वक्त यहाँ पे ऐसा नहीं कहा। यहाँ पे क्या कहा निर्देश करने की इच्छा करती है श्रुति। इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बारे में तो कहती है श्रुति परंतु चतुर्थ को निर्देश करना इच्छा करती है ना। विशेष प्रतिषेध ने वजह तुरियम निर्दिदीक्षति निर्देश करने की इच्छा करती है श्रुति। अच्छा इसी के ऊपर हम लोगों ने कहा टीका भी इस पंक्ति तक भी पढ़ लिए थे। यदि चतुर्थम विधि मुखे न निर्दिष्ट न सकम ऊपर से चौथा लाइन नीचे आ जाए चौथा लाइन राइट हैंड साइड में देखिए यदि चतुर्थम विधि मुखे न निर्दिष्ट न सकम तरी शून्यमेव तद आपत्तित है ना। यदि जिस चतुर्थ तत्व को आप विधि मुख से नहीं कह सकते मतलब इसके अंदर ये गुण है इस प्रकार अफर्मेटिव वे में आप उसको निर्देश नहीं कर सकते हैं तब क्या हो जाएगा तब तो शून्य मतलब वो है नहीं यही मानना पड़ेगा। जो वस्तु है उसको तो कुछ ना कुछ का बोल बताया जा सकता है अब बोल उसको बताया नहीं जा सकता यानी कि है नहीं बताया नहीं जा सकता मतलब है नहीं जो बोलते हैं। यदि चतुर्थम विधि मुखे न निर्दिष्ट न सक्यम यानी शून्य में बता दे तो तब तो है नहीं ऐसे मानना पड़ेगा तब क्यों उसको निषेध मुख से अपने प्रति निर्देश कर रहे हैं इसलिए तब निषेध है न एवं निर्दिष्ट मानत्व है ना। तो अब तस् पद के द्वारा तस् निषेधेन एवं निर्दिष्ट मानत्व ऐसा कह रहे हैं तत्पद का अर्थ यदि हम तस् करेंगे तब क्या हो जाएगा उसको तो आप निषेध मुख नहीं है ऐसा करके बोलते हैं नहीं को नहीं है इसलिए उसका सुन नहीं होगा। कि अब चार नंबर टिप्पणी देखिए तब निषेध न इतिहात्र तस् निषेध है ना इति युक्तम उसको निषेध के द्वारा ही प्रतिपादन करते हैं। जब निषेध के द्वारा प्रतिपादन करते हो तो है ही नहीं इसका मतलब प्रतिपादन की प्रक्रिया क्या है निषेध की मतलब से निषेध मतलब है नहीं वास्तविक ये अभिप्राय नहीं है। वहां तो होना क्या है कि जैसे यहाँ पे सुनाई दिया यथा श्रुते तु भाव रूप धर्म निषेधे न वस्तु है वस्तु नहीं है ये बात नहीं है परंतु वस्तु में रहने वाले जो भाव रूप धर्म तो धर्म उसमें कुछ नहीं है भावात्मक कोई धर्म नहीं है कोई गुण नहीं है इसलिए तस्य नाम उसको निषेध मुख से इसलिए प्रतिपादन करते हैं क्योंकि भावात्मक कोई धर्म उसके अंदर है ही परंतु उसकी भाव है जिसकी अपनी सत्ता है परंतु भावात्मक कोई धर्म उसमें नहीं है। और इसका मतलब वो सत्ता ही ना ये बात नहीं है विद्यमान है ये हमें वेदांती का नहीं सारा संख्या दिखता ही नहीं था वो इसलिए बोलता है निषेध देना एवं निर्दिष्ट मान समझ में आया तब निषेध का अभिप्राय क्या है तस्य निषेध नाम का प्रक्रिया क्या है आप निषेध उसको निषेध के माध्यम से समझाया जाता है। तो जब निषेध के माध्यम से समझा जाता है तब तो है ही नहीं ऐसा बोलना पड़ेगा बोलता है ये बात नहीं है उसके अंदर कोई भावात्मक कोई गुण नहीं है परंतु वस्तु है ये अभिप्राय इसलिए बोलता है यथा श्रुते तु जैसे यहाँ पे लिखा उसका भाव रूप धर्म निषेधे न भावात्मक कोई धर्म को निषेध करते उसको प्रतिपादन किया जाता है तथापि धर्म नास्ति अर्थवादिति शंकते तथापि धर्म नास्ति। अच्छा क्योंकि यदि क्या हुआ जो वस्तु से आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो वस्तु से व्यवहार नहीं कर सकते हैं उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता कि नहीं होता। जिस वस्तु का व्यवहार कर सकते हैं उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है जिस वस्तु का व्यवहार ही नहीं कर सकते उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा इसलिए अच्छा ही उसको नहीं है ऐसा मान लेना बोलते हैं तथा विधम नास्ति अर्थवादिति शंकते पांच नंबर टिप्पणी होता था प्रयोजनवत मतलब इस प्रकार की वस्तु से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इस प्रकार तथा विधम मतलब इस प्रकार की वस्तु से प्रयोजनवत नास्ति उसके कोई प्रयोजन मतलब अर्थवत मतलब प्रयोजन सिद्ध सिद्ध नहीं होता परंतु क्या होता है उसको नहीं है ऐसा मानना ही ठीक होगा शून्य में वत
पहले इस चीज को ध्यान रखना है, ब्राह्मण के लिए क्या बोल रहे हैं वो तो आप इसको निश्चित मुख से प्रतिपादन करते हैं, नहीं है करके, तो भाई ठीक है नहीं है तो नहीं है, है ही नहीं है, बल्कि तो ऐसी बात नहीं है, इसका अंदर कोई भावात्मक धर्म नहीं है, मतलब निर्गुण निर्विशेष की है, परंतु जिसके द्वारा कोई व्यवहार नहीं होता उससे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी कि इसके इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए नहीं है मानना ठीक है, जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है उसको तो मान्यता दीजिए, ऐसा पूर्ववत शंका करते हैं। शून्य में बताइए मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तत्व अनुपपत्ति, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, न तुरीयस्य शून्यतम अनुमातुं युक्तम, तुरीय मतलब कोई शून्य वस्तु है ऐसा अनुमान करना युक्तिसंगत नहीं है। अनुमान कैसे किया, क्या क्या बोला वहाँ पे कि अनर्थवत्वात् तुरीयम नास्ति अनर्थवत्वात् बंधा पुत्रवत्, ऐसा अनुमान कर सकते हैं तुरीयम नास्ति मतलब अनर्थवत्वात् बंधा पुत्रवत्, बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, क्या समस्या खड़ी करते हैं, तुरीयो को यदि अपने पक्ष बना दिया, क्या किया तुरीयो को अपने पक्ष बना दिया, पक्ष पक्ष को लेकर के विवाद होता है, साध्यों को लेकर के विवाद होता है, ठीक है ना, पक्ष को लेकर के, अब जब तुरीयो को पक्ष बना ही दिया आपने तब तो विवाद ही समाप्त हो गया, तो अब नास्ती अस्ती क्या विवाद हो गया, तो वही किया तुमको तो अनुमान भी खंडन नहीं आता, ऐसा खंडन अखंडन का अंतर है, ऐसा करके बड़े सुंदर सुंदर छोटा छोटा युक्ति देते हैं वहाँ। न तुरीयस्य शून्यतम अनुमातुं युक्तम, तुरीय शून्य इस प्रकार अनुमान करना युक्तिसंगत नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, देखो हमारा अनुमान देखो, विमतम सदधिष्ठानम कल्पितत्वात् तथाविद रगज रजतादिवत, ठीक है, विमतम मतलब विवादास्पद जो जगत, वो जगत अथवा नाम रूपात्मक जगत जिसको लेकर के विवाद है, सही है कि मिथ्या है कि क्या है क्या, इसको लेकर के विवादास्पद ये जगत सद अधिष्ठान, उसका कोई ना कोई सत अधिष्ठान होगा, असत नहीं अधिष्ठान हो सकता है, ये साध्य है, पक्ष हो गया विवादास्पद जगत, साध्य हो गया सद अधिष्ठानत्वम, वो कोई सद अधिष्ठान वाला होगा, कस्मात कल्पितत्व, वो कल्पित होने के कारण, कल्पित रजत आदि के समान रजत आदि नहीं बोल रहे हैं, कोई दुकान में रजत बिकता है वो, और सूर्य के ऊपर रजत बिकता है वो अलग है, दिमाग में बैठा हुआ है, तो तथा विध मतलब वो कल्पित रजत के समान, तथा विध मतलब क्या हो जाएगा कल्पित रजत आदिवत, आदि से आदि शब्द के द्वारा जो सर्प को मनुष्य को सब ले लेंगे कोई बात नहीं है। अब आपके यहाँ पे दृष्टांत तो क्या हो गया कल्पित रजत, ठीक है, तो कल्पित रजत में कल्पित तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहेगा, और उसका सद अधिष्ठान है कि नहीं, शुक्ति का जो है उसका अधिष्ठान सद है कि नहीं, विद्यमान है कि नहीं, ये है, ये तो सही है, इसमें तो कोई निषेध नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे विमतम हो गया आपका पक्ष, है ना, इस पक्ष में आपको सद अधिष्ठान तो सिद्ध करना है, तो आपने दृष्टांत तो कह दिया तथापितो रजत आदिवत मतलब कल्पित रजत के समान, कल्पित रजत के समान तथापित रजत आदिवत, कल्पित वस्तु सद अधिष्ठान वाला ही होता है, इसलिए कल्पित रजत में कल्पितत्व रूपी धर्म भी रहेगा और शुक्तिकार भी सद अधिष्ठान भी रहेगा, तो सद अधिष्ठानत्व भी रहेगा दृष्टान्त में, कल्पितत्व भी रहेगा। अब जो है आपका पक्ष विवादास्पद जगत में कल्पितत्व हमने कल्पित ही मान, यानी कि उसका कोई सद अधिष्ठान होगा, इसके बिना नहीं हो सकता, जो विमतम सद अधिष्ठानत्व, यानी कि क्या व्याप्ति दिखा है यहाँ पे, जत्र तत्र कल्पितत्व तत्र तत्र सद अधिष्ठान जाता है, ये व्याप्ति हमें घट जाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु की कल्पना अधिष्ठान के बिना नहीं होता, जहाँ कहीं भी कल्पित होगा उसका अधिष्ठान सत होगा ही होगा, ये हमारे व्यापक ये हमारे अनुभव में आता है, इसलिए बोलते हैं विमतम सद अधिष्ठान कल्पित तथा भी रजतवती थी अनुमाना, इस प्रकार अनुमान से तुरीयस्य सत्य सिद्धि, जो तुरीय रूप में हम जिसको कहना चाहते हैं वो एक विद्यमान वस्तु है, ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि तुरीय रूपी अधिष्ठान में जगत नाम उत्पात्मक जगत दिखाई पड़ते हैं, तुरीयस्य सत्य सिद्धे तुरीय की विद्यमानता सिद्ध हो जाता है, इति उत्तरम, आप इसको मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं तब न आपका कथन सही नहीं है, अभी मतलब वो शून्य नहीं है, वो असत नहीं है, शून्य शब्द से यहाँ पे असत कहना चाहते हैं, नहीं है,
क्यों मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्तत्व अनुपपत्ते भ्रांत वस्तु अधिष्ठान के बिना होना युक्ति संगत नहीं है। मिथ्या मिथ्या विकल्प से जो मिथ्या विकल्प करता है भ्रांत वस्तु प्रतीति होती है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है उसका कोई नहीं। जहाँ कहीं भी खड़े होकर के आप ये देखो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है इस प्रकार से आप विकल्प करते हैं और फिर कोई ना कोई वस्तु को देख करके इसे विकल्प करते हैं। जहाँ तीन चार वस्तु व्यक्ति मिल करके तो हम लोग को ये आप बोल रहे हैं नहीं नहीं ये ऐसा होगा, मैं बोलता नहीं नहीं ये जलधारा होगा, ये कहते नहीं नहीं ये माला होगा, ये कहते नहीं ये भूचित्र होगा। ये जब आप अलग कोई एक वस्तु को देख कर कम चार पांच व्यक्ति मिलकर अलग अलग विकल्प करते हैं तब क्या होता है कि कोई ना कोई एक वस्तु है जिसको लेकर कितना विकल्प हो रहा। इसलिए हम बोलते हैं कि न मिथ्या विकल्प निर्निमित्त अनुपत निमित्त रहित विकल्प नहीं हो सकता, निमित्त रहित विकल्प नहीं हो सकता, कोई ना कोई अधिष्ठान होगा ये इसका निमित्त करते हैं। इसी को समझाने के लिए ये बोला तन्ना दृष्टांतम साधयति, जो दृष्टांत दिया था हमारा अनुमान में ना तथा भी रजतादिवत उसी को सिद्ध करके दिखाते हैं, है ना दृष्टांत दिखाते हैं देवल यानी कि आनंद गिरी की पंक्ति अथवा अनुमान भाष्यकार की पंक्ति के आधार पर बोल कर देते हैं लिखने मात्र। ये देखिए नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिकादि विकल्पाः सुक्तिका रज्जु स्थानु उषरादि व्यतिरेकेन अवस्तु आस्पदा शक्या कल्पयितुम्। ठीक है ना, निरस्पद जो है कल्पना नहीं कर सकते, निरधिष्ठान कल्पना नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं क्योंकि ही मतलब क्योंकि न को आगे ले जाएंगे, क्योंकि रजत मतलब सुक्तिका के ऊपर दिखाई पड़ता इधर आ जाएगा सुक्तिका। ठीक है ना, सर्प को कहाँ दिखाई पड़ता रज्जु के ऊपर, पुरुष कहाँ दिखाई पड़ता है स्थानु के ऊपर, मृगतृष्णि का कहाँ दिखाई पड़ता है बाद बजरी के ऊपर उस देश में, है ना। इसी प्रकार इसके बिना अवस्तु आस्पदा कोई निरधिष्ठान हमने कल्पना कर लिया ये कहीं हो ही नहीं सकता। जहाँ कहीं भी कुछ कल्पना करते हैं कहीं भ्रंत हो कुछ भी हो कुछ ना कुछ घटना घटते हैं तब जाकर के हम उसके ऊपर अलग अलग दिमाग लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं निरा अवस्तु आस्पदा न शक्य कल्पित वह हम संभव नहीं है इस प्रकार से कल्पना करना। उसी को देखिए टीकाकार लिखने हैं रजतादीनाम मतलब रजत हुआ सर्प हुआ पुरुष हुआ मृगतृष्णि का हुआ। ठीक है ना, रजतादीनाम सद अनुविद्ध बुद्धि बुद्धत्वा क्या बोलते हैं हम, देखो देखो रजत है उधर नहीं जाऊंगा वहां सर्प है, यानी कि वो है बुद्धि से अनुविद्ध होकर को दिखाई दे रहा नहीं है, बुद्धि से अनुविद्ध नहीं है, हाय बुद्धि से अनुविद्ध होकर के अनुविद्ध मतलब अनुसूत है करके है बुद्धि हमें प्रतीत यानी कि है तत्व हर एक में विद्यमान है। ठीक है ना, जिस प्रकार मृत्तिका से बना हुआ जितने भी औजार हथियार होगा कुछ भी वस्तु होगा तो ये मृत्तिका की है ऐसा करके हमको प्रतीति होती है, मृत्तिका बुद्धि अनुसूत रहता है उसमें, मृत्तिका रूपी उपादान कारण से बने हुए जितना भी आपका अमृत मतलब वस्त्र बर्तन आदि है उस बर्तन में मृत्तिका के धर्म अनुसूत है उसके साथ हम देखते हैं सुवर्ण के बने हुए सारे अलंकार में सुवर्ण तो दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार है बुद्धि से अनुविद्ध सत तत्व है उस सत तत्व अनुविद्ध होकर के सब में दिखाई पड़ता है, इसलिए वहां पे है करके बुद्धि उत्पन्न होती है करके बुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए बोलते हैं रजत आदि ना सत अनुबुद्ध बुद्धि बोधत्ता रजत आदि सत वस्तु अनुविद्ध है करके अनुविद्ध होता है बुद्धि बोधत्वा अवस्तु अस्पदत्व अजगात, इसलिए वो नहीं है कुछ नहीं इस प्रकार से बोलना युक्ति संगत नहीं होता, इसलिए शून्य अधिष्ठान शून्य नहीं हो सकता है। तद्वत एव ठीक इसी प्रकार से ही दृष्टांत तो दे दिया अभी। ठीक है ना, दृष्टांत तो में क्या दिया आपको कहीं रजत दिखाई दिया आप निश्चित हो हमें कोई ना कोई रजत भ्रांति होने से यदि सही रजत है तो जाने सही रजत मिल जाएगा नहीं होगा तो कोई भिन्न वस्तु था जिसको हमने रजत समझ लिया था, इसके बिना भ्रांति नहीं हो सकता अधिष्ठान के बिना भ्रांति। ठीक इसी प्रकार ये प्राणादि जितना विकल्प है हमारे पास ना जितना कहाँ से वो जो प्राण सूक्ष्म मन स्थूल शरीर ये जितना हमारा है ये सब विकल्प पारमार्थिक नहीं है कल्पना मात्र से बोलते हैं कि तद्वत एव ठीक इसी प्रकार से तद्वत मतलब जैसे रजत सर्प पुरुष मृगतृष्णि का उसी प्रकार से प्राणादि विकल्प मतलब प्राण फिर मन फिर इंद्रिया फिर स्थूल शरीर ये सब जितना विकल्प हम करते हैं वो विकल्प सब उस अधिष्ठान में कल्पित है। उस अधिष्ठान में से बोलते हैं तद्वत एव प्राणादि विकल्पानां अपि
ना अवस्तु अस्पदत्तम सिद्धति, वो निरास्पद किसी अधिष्ठान के बिना वो सिद्ध नहीं हो जाता है ना, वो सद अधिष्ठान के ऊपर ही दिखाई पड़ता है। तद्वत एव प्राणादि विकल्पना भी न अवस्तु अस्पदत्तम, वो अनिरधिष्ठान उसके ऊपर कल्पना नहीं हो सकता है, सिद्धति इति अर्थ है इसका विपरीत। यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। यदि अधिष्ठानत्तम तुरीयस्य इष्टम तरी वाच्यत्वम अधिष्ठानत्वा घटादिवत इति प्रक्रम भंगस्य। फिर एक लाइन लाया, देखिए क्या बोलते हैं, यदि अधिष्ठानत्तम तुरीयस्य, यदि तुरीय अपने क्या बोला, अधिष्ठानत्वा अधिव्यतम विमतम सद अधिष्ठानम कल्पितत्वा, आपने क्या बोला कि तुरीय का अपने अधिष्ठान बना दिया, आपने क्या सिद्ध किया, तुरीय एक सद अधिष्ठान, ठीक है। यदि अधिष्ठान है तो वो बाच्य हो, तनिक बाच्य कैसे होगा, यदि अधिष्ठान है तब तो वो आपका शब्द प्रयोग का विषय बनेगा। इसलिए मैं बोलते हैं यदि अधिष्ठानत्तम तुरीयस्य इष्टम, यदि तुरीय में आपका अधिष्ठानत्व धर्म आप कहना चाहते हैं तब तो एक उधर्मी हो गया, जिसमें अधिष्ठानत्व धर्म है, अधिष्ठानत्व धर्म जिसमें रहता है वो धर्मी को तो आप अधिष्ठान मानेंगे, उसके शब्द प्रयोग का विषय हो जाएगा। इष्टत ही वाच्यत्तम, तब वहाँ भी शब्द प्रयोग का विषय बन जाएगा, वो वाच्य हुआ बन जाएगा, उसका वाचक शब्द होगा, क्यों अधिष्ठानत्वात्, ठीक है ना, यह मतलब क्या होगा, जत्र जत्र अधिष्ठानत्व तत्र तत्र वाच्यत्व, ये व्याप्ति है, जत्र जत्र अधिष्ठानत्व तत्र तत्र वाच्यत्व। जिस प्रकार रजत हुआ, सर्प हो भी आपका, ये नहीं शुक्ति का हुआ, रज्जु हुआ, स्थानु हुआ, ये सब अधिष्ठान है, वहाँ वाच्यत्व है। तो जिस दृष्टांत को देख करके आप समझा रहे हैं तो आपके यहाँ पे क्या सिद्ध हो जाएगा, उसमें वाच्यत्व धर्म आ जाएगा, क्यों, जहाँ जहाँ अधिष्ठान, जो जो अधिष्ठान वो वाच्य होता है, ठीक है ना। ये व्याप्ति दिखाई, यहाँ व्याप्ति में तो अनुमान के रूप में इतना दिखाया, यत्र यत्र अधिष्ठानत्व तत्र तत्र वाच्यत्व, जैसा घटवत दृष्टांत दिखाए, घट अधिष्ठान कैसे बना, घट में घड़ा में पानी रखते हैं, पानी का आधार है घट, तो घट वाच्य में पद शब्द के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, तो घट में देखिए आपका अधिष्ठानत्व भी है वाच्यत्व भी है, तो आपका विवादास्पद तुरीय में भी वाच्यत्व बैठ जाएगा, क्योंकि अधिष्ठान है, छोटा सा शब्द लिखा मंदिर अंदर इतना चीज छुपा हुआ है, व्यक्ति दिखा जहाँ जहाँ अधिष्ठानत्व वहाँ हुआ वाच्यत्व, नहीं तो अधिष्ठान तो कहते घट, घट का घट अधिष्ठान कैसे है, घट पानी रखने का जगह है, अधिष्ठान है वो, ठीक है, आप क्या है, आपका तुरीय में अधिष्ठानत्व माना आपने, तो हम भी वाच्यत्व होगा, ऐसा पूर्ववादी बोल रहे हैं, पहले बोला था कि इसको शब्द के द्वारा बोला नहीं जा सकता, क्यों, शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्व, अपने शब्द पहले क्या बोला कि यहाँ पे बोला था, तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्व अनभिधेयत्म तुरियम अनभिधेयम, कस्मात् शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्व, शब्द प्रवृत्ति व्यति रहे के ना घटवत, उसका समाधिष्ठान तो नहीं दे सकते आप, ठीक है ना। यहाँ पे भगवान भाष्य का क्या बोला था कि तुरीय शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनभिधेय अथवा अवाच्य, अकस्मात शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, ये आपने कहा शब्द प्रवृत्ति के लिए जो निमित्त होता है सहित होने के कारण ऐसे हो गया अनभिधेयत्तम, तुरीय अनभिधेय शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् व्यतिरेक न घटवत्, ये भी आप यहाँ से सिद्ध हो सकते हैं। तो ये जो आपने प्रतिज्ञा किया था ये आपका प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा, तो हमने क्या कहा, यत्र यत्र अधिष्ठान तत्र तत्र वाच्यत्व घटवत्, लेकिन वो वहाँ उस वाले जो अनुमान में बोले हैं कि शब्द प्रवृत्ति निमित्त का शून्यत्व है ना, हाँ शब्द प्रमित ये बोल रहे हैं आप, ये बोलते हैं नहीं शब्द प्रमित वस्तु सिद्ध कर दिया, अभी अपनी वस्तु दुनिया दोनों मान लिया कि तुरीय एक अधिष्ठान है, यदि अधिष्ठान है तो शब्द प्रमित शून्य तो कैसे होगा, नहीं वहाँ पे शब्द प्रवृत्ति का है अनभिधेय क्यों है, अवाच्य क्यों है, तुरीय अवाच्य, देखिए इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष, एक ही पक्ष बनाया, दोनों तुरियों को पक्ष मान्यता दे दिया, तुरियो पक्ष माना, तुरियो अभिपक्ष हो गया, और एक बोलते हैं वाच्य एक बोलते हैं अवाच्य, ये शत प्रतिपक्ष अनुमान होता है, एक बोलते हैं वाच्य एक बोलते हैं अवाच्य, अब दोनों का हेतु अलग अलग होगा, एक बोलते हैं अवाच्य क्यों शब्द प्रवृत्ति निमित्त रहितत्व, और एक बोलते हैं वाच्य अधिष्ठानत्व,
ठीक है, बिल्कुल शब्द केवल बोध समझ, शब्द प्रयोग अलग है, बुद्धि में बैठना चाहिए क्या बोलना चाहता है। तुरियो को पक्ष बना करके एक बात ही बोलते हैं उसके लिए शब्द प्रयोग होता है, एक बात ही बोलते हैं शब्द प्रयोग नहीं होता है। जो बात ही बोलते हैं शब्द प्रयोग नहीं होता है क्योंकि शब्द प्रवृत्ति के निमित्त का हत्या का अभाव है, और एक बात ही बोलते हैं तुमने अभी बोला कि वो अधिष्ठान है तो अधिष्ठान तो सब धर्म में कारण अच्छा आ जाएगा, है ना। जो अब दोनों में दृष्टांत तो कह दिया, जिस बात कहता है कि अनुभिधेय है संसार में एक ही मत वस्तु अनुभिधेय वह आत्मा से, उसके यहाँ पे व्यतिरिक दृष्टांत उसका अपने पक्ष बना दिया तो आपको व्यतिरिक दृष्टांत देना पड़ेगा, और इस व्यतिरिक बोलना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई भी वस्तु हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। ये दोनों सत प्रतिपक्ष यहाँ से पढ़ने से आपको कई चीज दिमाग में खुल जाएगा कि सत प्रतिपक्ष कैसे होते हैं। पढ़ा आपने सत प्रतिपक्ष, एक ही पक्ष में तो विरुद्ध धर्म को सिद्ध करने के यदि अलग अलग हेतु होते सत प्रतिपक्ष। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दोनों ने प्रतियोगी की पक्ष बनाया, एक बोलते तो आपका आपका जो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा, आपने कहा कि तुरियो अनभिधेय है और अधिष्ठान के होने कारण वो अभिधेय है, वो ऐसा हम कहना चाहते हैं। वाच्य तो अधिष्ठान घटाधिपति की प्रक्रम भंग सात, आपका जो प्रतिज्ञा वाक्य है वो भंग हो जाएगा आपका, इति चयोदय यति, इसको मन में रख करके शंका उठाते हैं, ठीक है ना। विषय वस्तु बाहर से समझ गया कौन सी लग जाएगी आपको, एवं तरी प्राणादि सर्व विकल्प आस्पदत्वात् तुरीयस्य शब्द वाच्यत्वम् इति न प्रतिषेधे प्रत्ययत्वम् उदक आधारादे इव घटादेः। अच्छा की पंक्ति से आनंद गिरी जितना शुद्ध बना देते हैं, देखिए एवं तरी, एवं तरी मतलब यदि अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है तो अधिष्ठानत्व धर्म रहने के कारण आपको उसको वाच्य बोलना पड़ेगा, अब अवाच्य नहीं बोल सकते। एवं तरी प्राणादि सर्व विकल्प आस्पदत्त, प्राणादि समस्त विकल्प का अधिष्ठान होने के कारण तुरीयस्य, तुरीय में शब्द वाच्यत्वम्, सुशुद्धिय में शब्द वाच्यत्व धर्म बैठेगा वाच्यत्व, इति फलतो इसलिए, इति मतलब इसलिए न प्रतिषेध है प्रत्ययत्वम्, इसलिए निषेध मुख से उसको बोध करना ये युक्तिसंगत नहीं है, निषेध मुख से उसको बोध करना ये युक्तिसंगत नहीं है। दृष्टांत तो क्या दिया, उदक आधार आधे इव घटा दे, जिस प्रकार घट उदक का आधार होता है तो उसका वो निषेध मुख से प्रतिपादन नहीं करते, उसको हम समझाते हैं देखो घर बाजार से लाओ क्यों का पानी रखना है, तो उसका निषेध मुख से हम प्रतिपादन नहीं करते हैं, उसका शब्द मतलब विधि मुख से प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये पंक्ति पूरा एक ही इसी को आनंद गिरि जी ने सामने समझा दिया आपको सत प्रतिपक्ष अनुमान के। एवं तरी प्रणादि सर्व विकल्प आस्पदत्व तुरीयस्य शब्द वाच्यत्वम् इति, इसलिए न प्रतिषेधे प्रत्ययत्वम्, ये निषेध मुख से उसको बोध उत्पन्न करना युक्ति संगत नहीं है। दृष्टांत तो क्या दिया, आधार आदि आदि भाव में उदक आधारादे इव घटादे, जिस प्रकार जल की आधार घड़ा होता है, जल की आधार घड़ा और कल्पित सर्प की आधार रज्जु, दोनों में फर्क है कि नहीं। जल की आधार घड़ा जो वहां पे जो आधार आदि भाव है, यहाँ पे वो आधार आदि भाव नहीं है, ये तो कल्पना मात्र है। रज्जु सर्प में एक समय में केवल एक ही चीज दिखती है, हाँ वहां पे दो एक्शन, यही इसी में बोलने तो यही भिन्नता है, यही मैं बोलने जा रहा था। भिन्नता क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, बोल भिन्नता ये है कि एक को अलग करके मतलब क्या है, जल से अलग करके आप घड़ा को देख सकते हैं, ये आधार, परंतु तो आपसे रज्जु को से भिन्न करके सर्प को कभी नहीं देख सकते, इसलिए ये आपका दृष्टांत में जो है साध्य विकलता है, मतलब ये आपका सही नहीं है, दृष्टांत सही नहीं है, सही नहीं ये अभिप्राय। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप प्रश्न करते हैं किम प्रातिभाषिकम अधिष्ठानत्म हेतु कृतम किंबा तात्विकम, ठीक है ना। ये जो आपने किम प्रातिभाषिकम अधिष्ठानत्म, वो जो प्रातिभाषिक जो अधिष्ठान आपने अधिष्ठानत्व बोला, जत्र वाच्यत्व तत्र तत्व अधिष्ठान, जत्र तत्व अधिष्ठान तत्र तत्व वाच्यत्व, ये बोलना पड़े जत्र तत्व अधिष्ठानत्व, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ बंधु, जहाँ जहाँ अधिष्ठानत्व वहाँ वहाँ वाच्यत्व, ये आपने भी कहा। तो आपके ये अधिष्ठान को जो आपने बना ये पारमार्थिक है अथवा प्रातिभाषिक है, ये प्रश्न बोलते हैं कि प्रातिभाषिकम अधिष्ठानत्म हेतु कृतम किंबा तात्विकम, है ना। प्रातिभाषिक वस्तु को अधिष्ठान को आपने हेतु किया, तो मतलब आपके ने जो बोला ना कि अधिष्ठानत्व, तो प्रातिभाषिक उस विषय विशेषण रहेगा अथवा पारमार्थिक रहेगा हेतु, किंबा तात्विकम, ये दोनों में विकल्प करके ना आद्य पहला वाला नहीं बोल सकते, क्यों,
क्योंकि तस्य तात्विक वाचकत्व असाधकत्व, तात्विक वाचकत्व वहाँ पे नहीं है। तात्विक वाचकत्व देखो टिप्पणी में लिखा बोलते हैं जो सार्थ साधन भाव कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों समान सत्ता वाले हैं। ये शब्द तो टेक्निकल प्रयोग कर रहे हैं, बोध क्या है, देखो जल और घड़ा दोनों समान सत्ता वाला है, रज्जु और सर्प, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, दोनों समान सत्ता वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सात साधन भाव नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक अजगर से तीन नंबर टिप्पणी में लिख रहा है इसको, तस्य इत्यादि तस्य तात्विक वाच्यत्व असाधकत्व, ये बोला ना तात्विक वाचकत्व नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? समसत्ता कयोर एव वन्य धूमयोर साध साधन भाव दर्शनादिति भाव, धुआं भी व्यवहारिक सत्ता वाले हैं, बन्नी भी व्यवहारिक सत्ता वाले हैं, दोनों समान सत्ता वाला है। अथवा जैसे यहाँ पे आपने दृष्टांत दिया जल हुआ और घड़ा हुआ, दोनों व्यवहारिक सत्ता वाला है, क्योंकि दोनों को अलग अलग करके देखा जा सकता है, दोनों समान सत्ता वाला है। वहाँ पे तो इस प्रकार से साध साधन भाव हो सकता है, परंतु यहाँ पे यदि आप एक कल्पित होगा और एक व्यवहारिक होगा समान सत्ता वाले, ये होना संभव नहीं है, इसीलिए अधिष्ठानत्व में कल्पितत्व नहीं आ सकता। अपने सिद्धांत को भी बचना है ना, अधिष्ठान कभी भी कल्पित नहीं होता। ये अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकर स्पष्ट करके दिखाता है, धर्म धर्मी अध्यास होता है, अधिष्ठान के ऊपर आप सर्प मतलब आप आरोपित वस्तु का आरोप करते हो तो वस्तु का भी आरोप होता है और उसका संसद मतलब उसका धर्म का भी आरोप होता है, ठीक है ना। इसके एक को बोलते हैं स्वरूप अध्यास, एक को बोलते हैं संसर्ग अध्यास। रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्प रूपी वस्तु का आपने आरोप किया और सर्प का धर्म की आरोप किया, परंतु सर्प में आपका रज्जु का आरोप नहीं किया, सर्प में क्या किया, केवल मात्र रज्जु का गुण का आरोप किया, ये तो भी मिथ्या हो जाता। समान सत्ता वाले में समान दोनों में समान सत्ता होता, व्यवहारिक सत्ता होता, प्रतिभाषी करता है, वहाँ पे तो कार्यकारण भाव समान हो सकता संभव है, परंतु एक प्रतिभाषी का और एक व्यवहारिक होना संभव नहीं है। आकाश कुसुम से कल्पना करके अपने भगवान जी को माला पहना दिया, ये कहता है ये नहीं हो सकता। आकाश कुसुम से माला बना करके भगवान जी को अपने माला चेहरा दोनों कल्पित हो सकता है, परंतु वो माला दूसरे को नहीं दिख रही है, व्यवहारिक नहीं हो सकता, इस समान सत्ता वाला नहीं है। आकाश कुसुम से माला बना करके मन से बना करके आपने भगवान जी को चढ़ाया, ये केवल दोनों ही मतलब कल्पित सत्ता वाले, वो माला व्यवहारिक सत्ता में आप नहीं चढ़ा सकते, दूसरे नहीं चढ़ा सकते, व्यवहारिक सत्ता वाला होता तो दुष्ट भी चढ़ाता उसको, मतलब अलग करके देखा जाता। जैसे वो जो स्फटिक के पास लाल फूल रख, वो तो निरुपाधिक अर्थ है, तो वहाँ पे स्फटिक का लालिमा स्फटिक में दिखाई पड़ता है, वो भी गुण इसका अध्यास हो गया, गुण का। हाँ, उस क्या हुआ कि स्फटिक सच रहते हुए भी केवल जिसका अधिष्ठान के ऊपर उसका धर्म के साथ दिखाई पड़ते हैं। यदि आप बोलते अतात्विक वाच्यत्व मतलब वहां हम शब्द प्रयोग करते हैं परंतु पारमार्थिक शब्द नहीं है, तो हमारे साथ एक कुर्सी में बैठो कोई विरोध नहीं है, पारमार्थिक शब्द प्रयोग नहीं होता, हम तो शब्द के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं, यदि ऐसा कहते हो तो कोई बात ना परेशान में। इसलिए बोलते अतात्विकत्व वाच्यत्व प्रक्रमणा विरुद्ध है, तथा हमारे प्रक्रमण हमारे प्रतिज्ञा में कोई विरोध नहीं है, नहीं भाई। आप बोला क्या द्वितीय, द्वितीय मतलब क्या प्रातिभाषिक अधिष्ठान कि तात्विक है ना, तो आपने जो हेतु मान मतलब अधिष्ठान जो तात्विक मानोगे न द्वितीय, क्यों सुप्तिकादिषु कल्पित रजतादे अवस्तुत्ववत् तुरीय अपि कल्पित प्राणादे अवस्तुत्वात् तत्प्रतियोगिको अधिष्ठानत्वस्य तात्विकत्व अजोगात् इति दूषयति, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए जिस प्रकार क्या कहाँ पे ध्यान देना है आपको, जो वो अधिष्ठानत्व जैसा खड़ा जल का अधिष्ठान है, इस प्रकार कोई मतलब तुरीय तत्व कोई एक समान सत्व वाला कोई वस्तु का अधिष्ठान ऐसा नहीं है यहाँ पे। अधिष्ठानत्व जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वाच्यत्व रहती है, आपने कहा ना अधिष्ठान तो कह दिया घड़ा और जल दोनों को अलग करके देखा जा सकता है, परंतु तुरियों के ऊपर जो वस्तु दिखाई पड़ती है मतलब जिस प्रकार रज्जु को सर्प दिखाई पड़ते हैं, वो कभी भी तुरियों को छोड़ करके अलग करके आप नहीं देख सकते,
इसलिए वहाँ पे पारमार्थिक अधिष्ठानत्व तो जैसा घड़ा अलग जल अलग ऐसा अधिष्ठानत्व तो भी नहीं है, वहाँ पे वस्तु ही नहीं है। यदि कमरे में हुआ तब वहाँ पे आपने सामान लाके रखा, कमरा ही नहीं है तो सामान क्या रखे वहाँ पे, इस अभिप्राय से बोलते हैं। न द्वितीय सुक्तिका देशु कल्पित रजतादे, सुक्तिका आदियों में जो कल्पित रजतादे दिखाई दे रहा है वो अवस्तुत्ववत, वहाँ पे जैसे वो वस्तु नहीं है जो वस्तु दिखाई पड़ रहा है, अवस्तुत्ववत जहाँ पे ऐसा दृष्टांत है उसी प्रकार तुरीय अपनी तुरीय में भी कल्पित प्राणादे, उसके ऊपर जो कल्पित वस्तु प्राण मन इंद्रिया शरीर कल्पित प्राणादे अवस्तुत्व, वो भी अवस्तु होने के कारण तत्प्रतियोगी का मतलब उसके द्वारा निरूपित अधिष्ठानत्वस्य, उसके द्वारा अधिष्ठानत्व तात्विकत्व आ जाएगा, तो भी पारमार्थिक एक अधिष्ठान आधार बन जाएगा, ये भी आप नहीं कह सकते क्योंकि हम आजादवाद बोल रहे हैं, सृष्टि हुई नहीं, इसीलिए वहाँ पे तात्विक अधिष्ठानत्व भी नहीं, तात्विक अधिष्ठानत्व भी नहीं है, इट्स वेरी सटल थिंग। ये चीज यही शुरू से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आप चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं तत्प्रतियोगी का मतलब तत्निरूपित उसके द्वारा। अब देखिए अनुयोगी प्रतियोगी क्या पे होता है, भूतले घटो नास्ती, भूतल हो गया अनुयोगी, घट हो गया प्रतियोगी, किसी वस्तु का अभाव कहना है तो अनुयोगी प्रतियोगी के माध्यम से कहना है, परंतु प्रतियोगी एक वस्तु होता है, यहाँ पे तो प्रतियोगी तो कोई है नहीं पारमार्थिक, तो इसी पारमार्थिक यदि कोई वस्तु होता है, भूतल कोई वस्तु है उसके ऊपर खड़ा रखा जा सकता है, अरे जो रखने जो को वस्तु ही कुछ नहीं है तो क्या रखोगे, वो तो कल्पना ही हम तुम्हारे दिमाग में है। जिस रज्जु के ऊपर आपको सर्प दिखाई दे रहा है, रज्जु है सामने और सर्प कहाँ पे है, मन में कल्पित, तो उसका अधिष्ठान भी पारमार्थिक कहाँ से बनेगा, सृष्टि होना ही संभव नहीं। ये कई चीज है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो इसमें बोलते हैं न द्वितीय सुक्ति का आदि सुकल्पित रजतादे अवस्तुत्व, तुरीय कल्पित प्राणादे अवस्तुत्व, तत् प्रतियोगी को अधिष्ठान प्रतियोगी मत निरूपित अधिष्ठानत्वस्य तात्विकत्व, वहाँ पर अधिष्ठानत्व में भी तात्विकता नहीं है, जहाँ जहाँ अधिष्ठानत्व तहाँ तहाँ वाच्यत्व, अधिष्ठानत्व ही पारमार्थिक नहीं है तो वाच्यत्व कहाँ से आएगा, ये निरूपण करने के लिए ना अजोगात इति भूषयति, न आपका ये सिद्धांत ठीक नहीं है, न प्राणादि विकल्पस्य असत्वात् सुप्तिकादिषु इव रजतादेः, ठीक है ना, प्राणादि विकल्प से असत्ता, जल नामक कोई वस्तु का अधिष्ठान तो कहता है जल, जल नामक वस्तु की सत्ता आपको दिखाई पड़ता है तो उसको रखने के लिए कोई जगह जो होगा उसका अधिष्ठान तो माना, प्राणामक कोई वस्तु का अलग करके दिखा दो तब हम उसको रखने के लिए तुरीय को लाएंगे तब उसका मच्छर तो हो जाएगा, क्या क्यों शंका कहाँ से हुई थी, आप बोलते हो इसको जो है शब्दों के द्वारा प्रयोग किया नहीं जा सकता, और अधिष्ठान तो कह दिया कि वो सर्वकल्पना का अधिष्ठान है, अरे भाई जब कोई वस्तु किसी कल्पना का किसी का अधिष्ठान होगा तभी वही तो उसके समझाने के लिए हो जाता है, अधिष्ठान तो धर्म है वहाँ पे। अब यदि कोई वस्तु ऐसा रखने जो वहाँ पे पारमार्थिक होता तब तो वहाँ पे पारमार्थिक अधिष्ठान तो आता, पारमार्थिक अधिष्ठान तो भी नहीं है वहाँ पे, कोई वस्तु ही नहीं है वहाँ पे, ये अभिप्राय पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इस अभिप्राय से बोलते हैं प्रतियोगी को अधिष्ठान प्राणादि विकल्प शिव रजतादि, ठीक है ना, जिस प्रकार रजतादि में पारमार्थिक अधिष्ठानत्व नहीं है क्योंकि सुक्ति का कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, सुक्ति का को कभी भी हम रजत से अलग करके नहीं देख सकते, रजत ही सुक्ति का रूप में प्रति, इसलिए आधार आधे भाव जैसा दो वस्तु दिखाई पड़ता है, इस प्रकार अधिष्ठानत्व यहाँ पे नहीं है, पारमार्थिक अधिष्ठानत्व नहीं है, यदि वैसा होता तब हमारे यहाँ बच्चत्व आ जाता, तब हमारे यहाँ भी बच्चत्व आ जाता, उसने नहीं दिया था जत्र जत्र अधिष्ठान तत्र तत्र वाच्यत्व, ये इस प्रकार अधिष्ठानत्व यहाँ पे नहीं है। अब इसी को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं नहीं सत असतयोर संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाव अवस्तुत्व, छोटे में शब्द बोल देते भगवान भाष्यकार, क्योंकि भाग अवस्तुत्व ना सृष्टि इति फलगतम च विकल्पद्वय,
लिखा है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सातवां पंक्ति राइट हैंड कॉर्नर में देख, बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर में ठीक है। यहाँ पे देखिए देखिए लिखा एक हलंतम शब्द, ऐसे एक चीज को रिफ्लेक्ट कर दिया माइंड में, नहीं सत असतयु, तो ये सत और असत इन दोनों का संबंध हो, अभ्योग शब्द प्रवृत्ति के लिए निमित्त बन जाए, शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाव, निमित्त वाला अनिमित्त को भोग देने वाला, निमित्त के लिए भाग भागीदार बन जाए, निमित्त के भागीदार बन जाए, अवस्मत अवस्तुत्व सत असतयोर संबंध ही, मतलब क्यों, क्योंकि सत और असत में संबंध होकर के शब्द प्रवृत्ति के निमित्त के भागीदार बन जाए, ये होना संभव नहीं है, अकस्मात उसमें एक अवस्तु, दोनों में अवस्तु है, अवस्तुत्व एक वस्तु है एक अवस्तु है, मतलब एक है ही नहीं, एक है ही नहीं वहां पे, इसीलिए वहां पे संबंध होना संभव नहीं है, सत सत में संबंध होना संभव है, असत के साथ किसी का कोई संबंध होना संभव नहीं है, अधिष्ठान सत और कल्पित वस्तु असत, इसलिए इन दोनों संबंध होकर के फिर प्रवृत्ति उसका अधिष्ठान बन जाएगा, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त बन जाएगा, यह आप नहीं कह सकते। यहाँ पे इसलिए बोलते हैं नहीं सत असतो संबंध प्रवृत्ति, संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग कस्मात अवस्तुत्व, एक नंबर टिप्पणी मतलब निमित्त इति निमित्तत्व इति अर्थ निमित्त हेतु बन जाता है, निमित्त भाग मतलब निमित्तत्व, निमित्त में रहने वाले धर्म जिसके लिए जिस निमित्त से आप इसको कह सकते हो, जो आप जो अधिष्ठान और अधिष्ठेय भाव से बोल रहे थे ना वाच्यत्व, वाच्यत्व तब होता यदि आपका एक दो अधिक एक घरा और जल दोनों एक सत्ता वाले हैं, तो घरा हो गया अधिष्ठान, जल हो गया आधार, तो घरा में अधिष्ठान तो धर्म शब्द प्रयोग करने का निमित्त बन जाता है, अधिष्ठान तो वो इसका शब्द प्रयोग का निमित्त कैसे बना, जिस वो इसका अधिष्ठान है घरा जल का अधिष्ठान है तो शब्द प्रयोग का निमित्त बन गया, आप क्या बोले शब्द प्रयोग का निमित्त नहीं है, तो आपने क्या बोला नहीं ये देह क्योंकि आपने क्या कहा था ये भ्रांति का अधिष्ठान है, तो यानी कि जब भ्रांति का अधिष्ठान है तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त बन जाएगा, तब भाष्यकार बोलते हैं कि यदि दोनों समान सत्ता वाला होता दोनों में संबंध होता तब वह तो अधिष्ठान है, इसके ये इसका अधिष्ठान हम बोल सकते थे, कल्पित वस्तु का क्या अधिष्ठान है, सत और असत में संबंध नहीं हो सकता, पारमार्थिक अधिष्ठानत्व नहीं है, प्राकृतिक अधिष्ठानत्व है, इसलिए शब्द प्रवृत्ति का भाग नहीं बनता है, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं बन सकता है, ठीक है ना, न न निमित्त भाग शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग न भवति कस्मात् अवस्तुत्व, तो यहाँ देखिए टीका में बोलते हैं कि किंच वाच्यते तुरीयस्य निरीक्ष्यमाने तत्र शब्द प्रवृत्ति निमित्तं वक्तव्यं, यदि तुरीय में आप वाच्यत्व रूप धर्म दिखाना चाहते हो ठीक है ना, किंच और भी देखो वाच्य तुरीयस्य वाच्यते, तुरीय में वाच्यत्व धर्म बैठेगा, निरुच्य माने इस प्रकार बोलने वाले तुम्हारे प्रति आप ये कहना पड़ेगा तत्र मतलब तुरीय, तुरीय में तुरीय शब्द प्रवृत्त शब्द प्रवृत्ति के लिए निमित्त वक्तव्य, क्या निमित्त ये तुमको कहना पड़ेगा ठीक है ना, आपने क्या बोलते अधिष्ठानत्व, पहले हमने अधिष्ठानत्व खंडन कर दिया क्योंकि वो कोई पारमार्थिक वस्तु अधिष्ठान है ही नहीं, आप बोलते हैं तब शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या है तो बताओ, तब इसलिए बोलते हैं तत् शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या होता है, षष्ठी वा रूढ़ी वा जाति वा क्रिया वा गुण वा इति विकल्प प्रथम प्रत्यय, पांच निमित्त शब्द प्रवृत्ति हो सकता है, या तो रूढ़ी मतलब अनधिकार से चलता आ रहा है और उसके बाद किसी के साथ संबंध रखता है, तो अथ कोई जाति है कोई गुण है कोई क्रिया है, ये पांच निमित्त शब्द प्रयोग होता है, ये तुरीयों में शब्द प्रयोग करने के लिए क्या निमित्त है बोलो, तुरीय शब्द क्या निमित्त है बोलो,
तब तुम मानते हैं कि शब्द आपने अधिष्ठानत्व बोला था, पर तो अधिष्ठानत्व पारमार्थिक सदा सर्व अधिष्ठानत्व होता ही नहीं, समान सत्य में अधिष्ठान विष्णु भाव होते हैं, आधार आदि भाव होते हैं, इसलिए आप बोलो तो नहीं सत असतर संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाव अवस्तुत्व, ये पहला हो गया, ये संबंध हो नहीं सकता क्योंकि एक वस्तु है एक अवस्तु है, यदि संबंध होता तब जाकर के शब्द प्रवृत्ति, लेकिन वस्तु अवस्तु में क्या संबंध होगा, कोई माताओं को देख करके आप कह सकते हैं कि ये बंधा पुत्र की माँ है, ये क्या बंधा पुत्र के साथ कोई संबंध हुआ, कुछ नहीं हो सकता, ये परंतु किसी ने इसका इसकी माँ है ये दिखाएंगे, व्यक्ति दिखाना पड़ेगा, है नहीं तो कैसे होगा, संबंध कहाँ से होगा, है नहीं, इसलिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त वो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं, संबंध निमित्त शब्द होता है वो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं नहीं सत असत संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त अवस्तुत्व। अच्छा भाई ठीक है, तुरीयस्य अतिरिक्तस्य इति समझा रहे आनंद गिरी जी, क्यों क्यों नहीं शब्द पर, क्योंकि तुरीयस्य भिन्न अतिरिक्तस्य अवस्तुत्व, तो सारा वस्तु में वस्तुत्व ही सिद्ध नहीं होता, तुरीयस्य भिन्न का के कोई वस्तु में वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, तुरीयस्य तुरीय अतिरिक्तस्य तुरीयस्य भिन्न कोई वस्तु का अवस्तुत्व अवस्तु ने कहा तस्य तुरीयस्य च वस्तुभूत संबंध, तुरीय के साथ उसका जो वस्तुभूत संबंध सिद्ध नहीं होता, असिद्धे, क्यों विषय अभावे कुत षष्ठी, क्योंकि एक तो विषय है ही नहीं और संबंध कहाँ से होगा, विषय है ही नहीं, दो वस्तु होता तब तो संबंध होता, ये इसकी माँ है इसकी बेटी तो है ही नहीं माँ, इसी को तो भगवान भाष्यकार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में विश्वम पश्यति कार्य कारणतया ससामि संबंधत शिष्य आचार्य पित्री पुत्र तथैव चात्मा, एक ही आत्मा में इतने कल्पित भेद करके व्यवहार करता रहे, सपने जागृति ज ऐश्व पुरुष माया परिभ्रामित, सपन में जागृत काल में यही पुरुष जो माया से परिभ्रमित होकर के ये मेरा बेटा है ये मेरा बाप है ये मेरा गुरु है ये मेरा शिष्य ये मेरा पत्नी है ये व्यवहार करता रहे ना, वही दक्षिणा क्या कितना भाषा कन्फ्यूजन देखिए, ये भ्रांति से व्यवहार करने पर भी यही दक्षिणा मूर्ति है, तस्मै से गुरु मूर्ति नमैदं से दक्षिणा, इसलिए वे बोलते हैं बोलो क्या है संबंध, तो हम हो नहीं सकते, तुरीय अतिरिक्तस्य अवस्तुत्व तस्य तुरीयस्य च वस्तुभूत संबंध असिद्ध, तुरीयों के साथ किसी का पारमार्थिक संबंध सिद्ध नहीं होने के कारण विषय अभाव है कुत षष्ठी, जब कोई दूसरा विषय है ही नहीं तो संबंध कहाँ से हो सकता है, समझाने के लिए बोलते हैं बात, हमारे पास दूसरा वस्तु होता था तो संबंध करते, बोला ना कि मांडव को कार्य का सिद्धांत पहला वेदांत सिद्धांत को समझने के बाद बिल्कुल लास्ट जगह जहाँ पे आपने मान्यता दे करके इसको मानाया थे उस मान्यता को तोड़ देना है, उस मान्यता को भी तोड़ देना है, इसलिए हमें बोलते हैं पांच नंबर टिप्पणी है वहाँ पे दिखाई दे रहा है रूढ़ी पे है पांच नंबर क्या बोलते हैं मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्धि, रूढ़ी मतलब क्या होता है जो प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, एटमोलॉजिकल नहीं है, प्रसिद्ध चलता है अनाधिकाल से ऐसा भी नहीं है। छह नंबर टिप्पणी विषय अभावे थी विषय धर्मी प्रतियोगी रूप तुरीय अतिरिक्त च वस्तु तो अभाव तद अन्यतर इति विषय अभाव, जैसे विषय दिखाने के लिए क्या होता है यहाँ पे ये विषय है एक दूसरे का आश्रित होता है, मैं कल बताया था मतलब काल स्थान और निमित्त विषय ये सब एक दूसरे का आश्रित है, विषय दिखाना होगा तो कहीं दिखाना होगा ठीक है ना, कहीं विषय दिखा, यदि विषय कोई पारमार्थिक होता तो कहीं पर दिखाते, इसलिए आप बोलते हैं यहाँ पे विषय धर्मी प्रतियोगी रूप, धर्म मतलब अनुयोगी प्रतियोगी रूप, भूतल में घरा है, भूतल हो गया अनुयोगी, घरा हो गया प्रतियोगी, जो विष वस्तु है अभाव बोलेंगे तो उसी प्रकार बोलेंगे, तो यहाँ पे तो कोई वस्तु को दिखा करके नहीं देखा सकते हैं, घरा में पानी है, घरा हो गया अनुयोगी, प्राणी हो गया प्रतियोगी, ये शब्द प्रयोग की शैली है ऐसे, यहाँ बोलता है विषय धर्मी प्रतियोगी रूप, यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा धर्मी, यहाँ पे ये वस्तु है ठीक है ना, ये वस्तु को दिखाने के लिए अब देखो स्थान की कल्पना भी कर ली, ब्रह्म पे सृष्टि है तो हमने स्थान बना लिया ब्रह्म पे, ब्रह्म में यदि कोई ऐसा स्थान होता तब तो बोलते, परंतु वैसा कोई स्थान तो है नहीं, इसलिए तुरीय अतिरिक्तम च वस्तु, तो अब देखिए यदि आप ये ब्रह्म से भिन्न करके कोई वस्तु होता जो ब्रह्म में रहता है
ऐसा बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं जैसा आपने बोला। अभी रज्जु सर्पंत ऐसा नहीं समझ में आता है, यदि कभी रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को अलग करके देखो ये अधिष्ठान है, ये उसके ऊपर आरोपित है, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो विषय की सत्ता ही सिद्ध नहीं होता उससे भिन्न होकर के। इसीलिए आप बोलते हैं कि तुरीय अतिरिक्तम च वस्तुत्व अभाववत्, तुरीय से भिन्न करके अधिष्ठान से भिन्न करके वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं होता। तो अन्य तरह के विषय से भिन्न करके विषय कोई है ही नहीं जो उसको पर आपको दिखाई दे, ये संबंध कहाँ से हो पाएगा। जिस प्रकार ये पेन और ये पेन की ढक्कन ये दोनों अलग दिखाई देगा, इसका ये संबंध होता है कि इसका ढक्कन है, ऐसा करके यदि अलग करके तुरियों से अलग करके अधिष्ठान से अलग करके दिखाई देता है तो दोनों के संबंध आप कह सकते हैं ऐसा है ही नहीं कि अलग वस्तु अकेला होने के संबंध किसी को। ये चीज यहाँ पे बोलते हैं विषय में पुत्र षष्ठी हम संबंध कैसे हो सकते हैं, इसमें हो गया ओम तू नहीं अजम अपि यनि योगं प्रापदैश्वर्य योगात् अगतिं च गतिमत्यां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुक्ते क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म जगत्तं नतोऽस्मि।